सिस्टर, काबिल एसपी साहब के ऑपरेशन चल रहा है अभी। बेटी रोवो मत, धीरज रखा, दवा जी बिल्कुल ठीक हो जाए। बस चाचा, अब बस, कब तक धीरज रखी हम, कब तक? रउआ लोगन के काला धंधा के हम आज तक चुपचाप देखत रहनी, धीरज रख के हम अपना पति के गलत काम में भागीदार बनत हमेशा देखत रहनी, धीरज रख के हम अपना जिंदगी के खुशी में पाप की जहर में लत देखत रहनी, कब तक धीरज रखी बताएं, कब तक? आज तक रहुआ लोगन हमरा पति के बहुत गलत इस्तेमाल कर चुकनी, लेकिन अब हम ही ना होके दें हम, अब हम अपना पति के ये पाप के दुनिया से अलग करके रख लें, अलग कर लें। डॉक्टर साहब, अब कैसा हालत बा उनकर? हालत मैं क्या बताऊं, कुछ ठीक नहीं है। ऑपरेशन तो हो चुका है, बट कंडीशन खतरे से बाहर नहीं है। जब तक पेशेंट को होश ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। और वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो बस भगवान की प्रार्थना करिए। हमरा पति के जान हो,
बधाई हो मैडम, आपके पति बिल्कुल ठीक टोटली खतरे से बाहर हैं। सच कहूं पहले तो मैं उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन आपने जो सेवा की इनकी दिन रात और भगवान से पल पल दुआ मांगती रही हो, शायद ये उसी का फल है कि आपके पति जिंदा है। ओके सर। जौना भारतीय सेना के वीरता के आगे सारा जहां अपन सिर झुकावेला, उहे वीर सेना के एगो सैनिक आपन भेष बदल के एको घायल और निहत्ता आदमी की जान लेके आपन बहादुरी के सबूत देवे जा रहल बा। तोहरा अपन पति के बेबसी और लाचारी लौकता, लेकिन हमरा बाप के ना, तोहार चाचा और उनकर साथी हमरा बाप के तड़पा तड़पा के मार दिया लोग, बहिन के किडनैप कैले बा, हमार फसल जरा दी हल्लो, और ही सब में ये तुहार भ्रष्ट पति के भी आत्मा इंसाफ के हिसाब से तय करा मरही के पड़ी। मरे और जिए के हिसाब करे के अधिकार सिर्फ भगवान के हाथ में होला, हमरा जसन पतिव्रता के हाथ में एको अधिकार जरूर बा। सावित्री बन के यमराज से भी आपन पति के प्राण छीने के अधिकार हम सामने खड़ा बानी, चलाएं गोली, अदी अपन बहादुरी के सबूत। देश के सरहद पर जान हथेली में रख के दुश्मन के पराजित करे वाला एगो सैनिक आज यहाँ अपन बहादुरी के सबूत देबे निखे आई, बल्कि इंसाफ के जंग में जीत खातिर सर पर कफन बांध के निकलल बा। तू एकर इलाज कराबा, जल्दी से ठीक करा, जौना दिन डॉक्टर के हाथ से ठीक हुई वही दिन एकर मौत हमारे हाथे हुई, ई हमार वादा बा।